धार की कारम डैम को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है और इस मुद्दे पर कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधने के साथ डैम का हवाई सर्वे भी किया, जिस पर अब भाजपा भी मुखर हो चली है। भाजपा के आला नेता कमलनाथ को घेरने में जुट चुके हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कारम डैम पर तेज हुई सियासत, कमलनाथ ने किया हवाई सर्वे, सरकार पर साधा कमलनाथ ने निशाना, कहा भ्रष्टाचार का डैम टूट चुका है। भाजपा के निशाने पर आए कमलनाथ। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के धार के कारम डैम को लेकर डर बना हुआ था कि इसमें लीकेज होने पर प्रदेश में केदारनाथ जैसी त्रासदी दोहरा सकती है, लेकिन इस पर सरकार ने काबू पा लिया और अन्य रास्ता बनाकर डैम का पानी खाली करा लिया। इस मुद्दे पर सीएम शिवराज लगातार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क बनाने के साथ साथ सिचुएशन रूम से नजर रख रहे थे, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कारम डैम का हवाई सर्वे किया, जहां उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का डैम टूटा है जिसने कई लोगों की जमीनों को बंजर बना दिया। और मैं देखते हुए रास्ते में आ रहा हूं कि क्या क्षति हुई है, केवल फसल की क्षति नहीं, जमीन अंदर जाना खेती के लिए हमेशा के लिए नहीं, पत्थर आ गए, मकान गए, कोई मुआवजा चले जा की बात अभी चर्चा हो रही है, सर्वे हो रहा है। जब जो आग घुस रहा है तो किस बात का सर्वे? ये भ्रष्टाचार का डैम फटा है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज के भ्रष्टाचार का डैम फटा है, ये बात है और ये एक सबूत है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है, और ये हमारे नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रही है। वहीं कमलनाथ के दौरे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनका सर्वे पूरी तरह हवा हवाई है, उन्हें जाना है तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएं। हवा हवाई नेता हैं, हवा हवाई सर्वे ही करेंगे। पूरी कांग्रेस सड़क पे पड़ी है, धरातल पे पड़ी है, वो सर्वे कर रहे हैं। जहां कुछ नहीं बचा है वहां सर्वे करने जा रहे हैं। कायदे से वर्तमान में अतिवृष्टि है, कई जगह पर नदियां उफान पर हैं, बाढ़ के हालात हैं, वहां जाएं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगाएं जिससे जनता की सेवा हो सके, पर ऐसा कुछ करते नहीं है। चाहे कोरोना का काल आए, बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, आपदा आए, सेवा से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति से मतलब रह गया है कांग्रेस को। इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं और कारम डैम क्षेत्र में उनका दौरा पर्यटन से अधिक कुछ भी नहीं। इसके साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार तो कमलनाथ करते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जब 11 तारीख को ये जानकारी मिली कि डैम के अंदर लीकेज हो रहा है, इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो तत्काल जब सूचना ये मिलती है कि लीकेज है, डैम टूटा नहीं था, लीकेज था, लीकेज के बाद तत्काल सक्रिय होकर के जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन में उन्होंने भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, आपको लगेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं का लेना देना, लेकिन जब ये लग रहा था कि लीकेज हुआ है तो कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना हो सकती है तो लोगों को अलर्ट करना, प्रशासन शासन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम बना करके बैठ जाना और कैसे उस पानी को जो इतनी बड़ी मात्रा में जो जल स्तर बढ़ रहा था उसको कैसे हम उसका प्रबंधन किया जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार का कुशल प्रबंधन कि इस प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी उससे कैसे बचा जा सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री ने बेहतर तरीके से कुशल प्रबंधन किया। अगर डैम के अंदर कोई इस प्रकार की बातें अगर हुई हैं कि वो सीपेज क्यों हुआ, लीकेज क्यों हुआ, इसके लिए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसकी गंभीरता से जांच होगी, चाहे डैम बनाने वाले हों, चाहे डैम के अंदर मॉनिटरिंग करने वाले लोग हों या कोई भी अधिकारी हो।
तो आप मान सकते हैं कि प्रदेश में डैम को लेकर जमकर सियासत होने वाली है और आगामी समय में धार समेत आसपास के जिलों में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा भी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।